गुड इवनिंग सब लोगों को। अपना ये वीक सेकंड वीक और थर्ड क्लास है आज। फर्स्ट और सेकंड, लगभग सेकंड क्लास मान सकते हैं, सेकंड थर्ड क्लास। दो कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को बताए हैं, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। आज तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो चीज आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आप लोग काम कर। वैसे तो बैक टेस्ट वगैरह पे इतना बिलीव नहीं है, लेकिन अब क्योंकि कल मार्केट, अच्छा हाँ कल मार्केट ओपन है, कल फ्राइडे। आप लोग इस चीज को कल लाइव मार्केट में टेस्ट कर, उसके बाद में सैटरडे और संडे दो दिन आपका समय मिलेगा, दो दिन आप लोग इस चीज को बैक टेस्ट करना। मतलब जो अभी हम सिस्टम बताएंगे ना, इसको खूब अच्छी तरह से टेस्ट कर लेना, क्या होता है, किस तरह से वर्क करेगा। अभी हम फिर से आपसे बात बोल रहे हैं, मेन सिलेबस जो है अपना, ये नेक्स्ट वीक से हम शुरू करें जो मेन सिलेबस अपना है। आज जो पॉइंट हम बोलेंगे, जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे, तो अभी जितने दो पॉइंट्स बताए हैं, तीसरा आपकी है, हो सकता है कल भी हम कुछ बताएं, ये डिपेंड करेगा कल। आज को मिला करके ये तीन, तो जो ट्रेड एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको कि आप अभी से ऑब्जर्व कर रहे हो और उस वक्त जाकर के आपके लिए बड़ी हेल्प करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूशन में, तो इसको भूलना नहीं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का आपने नाम सुना होगा, कोई भी एक चार्ट जैसे बजाज फिंसर ओपन है, इसी को रखते हैं, इसको हटा दीजिए, पूरी मार्किंग को हटा दीजिए। 1 आवर टाइम पे 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2:15 और ये, तो टोटल कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कैंडल्स हैं हमारे पास, है ना। पूरे वीक में जो एक दिन की जो कैंडल बन रही है 1 आवर पर, हमारे पास 7 कैंडल्स बन, एक वीक में हो जाते हैं ट्रेडिंग सेशन जो हम लोग को मिलते हैं पूरे 5। 5 × 7 आप कर दोगे 35 को, 35 रोज, 35 बार आपको मिलेंगे प्राइस कैंडल्स। हमारा काम है इन 35 में से एक इंपॉर्टेंट कैंडल को निकालना पूरे वीक में। 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये अपना, फिर से बता रहे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 कैंडल्स हैं। इस तरह से पूरे वीक में अपने पास दिन हो गए, पूरे वीक में 5 दिन हो गए ट्रेडेबल जो जनरली हम लोग को मिलते हैं, और किसी दिन अगर ऑफ है तो फिर उसी हिसाब से वो माइनस हो जाएगा। मतलब 1 वीक का ही पूरा लिया जाएगा, इस पूरे वीक की एक बड़ी सी कैंडल हम लोगों को फाइंड करनी है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कैंडल को देखनी है। इसमें टोटल कैंडल्स कितने हम लोगों को मिल जाएंगे, ये डिपेंड करता है आपका वीक में कितने दिन हम लोगों के ट्रेड हुआ है कितने। मतलब अब मान के चलिए कि ऑफ हो गया किसी एक दिन, तो 7 कैंडल्स हमारे कम पड़ जाएंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन, 1 आवर्स, ठीक है ना, ये याद रखना। मार्किंग जो हम लोगों को करनी है, यहाँ पर हम लोग जो सपोर्ट लेंगे वो लास्ट वीक का होगा। अब 35 कैंडल्स हम इसमें ड्रॉप करते हैं, जैसे 1, ये फुल वीक का मान लीजिए 35 कैंडल्स। अभी नेक्स्ट वीक हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो भी जिस भी कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई होगी, मान लीजिए इसका है, तो ये हो गया अपना प्राइस। हम लोगों को किसी भी तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडल चाहिए, है ना, एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को मार्क करें, और ट्रेड के दौरान फोकस करने के लिए कि हमें ट्रेड्स को अगर देखना तो हम यहीं से देखेंगे, यहीं से। इसके लिए जो हम लोग मदद लेंगे, इन 35 डेज में से एक कैंडल छोड़ देंगे, एक वो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, बाकी सबको छोड़ देंगे, इस एक कैंडल को हम लोग को फोकस में रखना है, और यहां से फिर आगे में देखना है कि मार्केट में क्या होता है, इस कैंडल का क्या रिएक्शन पड़ता है। जैसे ये हम लोग यहाँ पर मार्किंग कितने पर कर रहे हैं, 1 आवर। अब जब ट्रेड में रीडिंग की बात आएगी, ट्रेड्स को जिस तरह से रीड किया जाता है, ये वाला जो टॉपिक है लोअर टाइम फ्रेम पर रीडिंग, इसको अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, इसका डिस्कशन कल के लिए रखेंगे। इस वक्त जो हमें मार्किंग करनी है 1 आवर टाइम फ्रेम से ही, लोअर टाइम फ्रेम पर 5 मिनट्स पर कैसे रीड करना है, कैसे हाईज लोज वगैरह मार्क करने हैं, वॉल्यूम्स का क्या रोल प्ले होगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, ये चीज कल के लिए रख लेते हो, है ना। आज जो हम लोग एक पॉइंट देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर किस तरह से मार्किंग करनी है, इसको बहुत सारी चीज देखिए, सिर्फ ड्राइंग में ये होता है ना कि अगर हम ड्रॉ कर दिया तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली आप समझ जाओ। अब सेम चीज हम लोग जाकर के अपना चार्ट शुरू कर लेंगे, जैसे ये है लास्ट वीक अपना 18 से लेकर के 22 तक, 18 से 22 ये है ना। अब एक काम करते हैं लोग, यहां से देखिए गिनती स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 5, यानी कि 35 कैंडल्स। अब इन 35 कैंडल्स में से अभी देखिए वॉल्यूम्स ऑन नहीं है हमारे,
किस स्कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो हो रहा है। डिपेंड, अब ये ऐसा नहीं है कि देखिए लास्ट की जो कैंडल होती है ना 325 की, लास्ट के 315 की कैंडल 1 आवर की है ना, लेकिन ये जो सबसे लास्ट की कैंडल होगी इसको सबसे कम समय मिलता है जनरेट होने, लेकिन हम मार्क इसको भी करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर किस कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो किया गया, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस होगा, जिसका इंपॉर्टेंस हम लोग ले करके चलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। वॉल्यूम कौन कर ली, ये सबसे पहली ही कैंडल आई ना, अभी लोअर टाइम फ्रेम पर बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करेंगे। ये हो गया 22। पास्ट में इस लेवल का क्या यूज हुआ है, पास्ट में भी ठीक ठाक देखिए यूज हुआ है यहाँ पर। पास्ट डाटा मतलब जो लेवल अभी हम आज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे पहले इस प्राइस पर क्या हो चुका है, 16,000 तो राउंड फिगर है, 16,690 ये भी राउंड फिगर, लगभग 700 रुपए के आसपास का है ना, 16,600 ये होगी 15,700। अब आप रीड करिए प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ये कैंडल है, देखिए प्राइस हमारा उस रेंज के बाहर नहीं निकल, ऊपर नहीं जा रहा, देखिए अपनी रेंज के अंदर इसने ओपनिंग दी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, बट क्लोजिंग नीचे हो, पूरे वीक देखिए उस रेंज के ऊपर मेरा प्राइस नहीं जा पाया, इस रेंज के नीचे ही रहा है ना, फिर ऊपर गया फिर नीचे गिर गया। क्या हम लोग 16,000 को एक रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं, प्राइस यहां से मेरा बार बार नीचे की तरफ, और यहां से ये वाला जो लेवल है ये मेरा सपोर्ट पॉइंट भी बन रहा है, प्राइस ने इसको ब्रेक किया और अगेन प्राइस मेरा सपोर्ट के ऊपर जाकर के फिर रेजिस्टेंस पर चला गया है ना। 15,690 और 16,000 इन दो लेवल्स का क्या यूज, क्या इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा है कि प्राइस एग्जैक्ट उसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है और उसी लेवल पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, समझ में आ रहा है। अब आगे चलिए, आगे चलकर वाह हो गया, पूरे वीक देखिए प्राइस हमारा उस लेवल पर नहीं आ रहा है, इसने हमें सिर्फ एक बार मौका दिया है 22nd, लेकिन 22 और 22nd 1 2 3 22nd तो शायद ये लास्ट वीक था ना, हाँ मौका नहीं मिला, पूरे वीक मौका नहीं मिला, प्राइस हमारा हमारे लेवल पर आया ही नहीं, कल का दिन हो रहा है, लेकिन अब कल अगर मार्केट ओपन भी हो जाएगी 15,600 मतलब 700 पॉइंट का मूव से अप साइड की तरफ दिखाना पड़ेगा, तभी हमारे लेवल पर जाएगी, किसी काम का नहीं लेवल। अब अगर नेक्स्ट वीक के लिए हमको देखना है तो 22 के बाद 25th, 6th, 7th, 8th इन लेवल्स पर चलना पड़ेगा हमको, यहां से हम एक इंपॉर्टेंट कैंडल निकालेंगे। यहाँ पर कौन सी कैंडल हमारी निकल रही है, हमें इसका यूज पूरे नेक्स्ट वीक के लिए करना। अब जो ऊपर वाला पॉइंट है हम इसको थोड़ा सा डिलीट करें, कंफ्यूज जो भी पॉइंट्स करें उनको फौरन डिलीट। दूसरा चार्ट में HDFC बैंक है, 1 आवर टाइम 18 सिंपल है तो लग ही रहा है ये वाली कैंडल, ज्यादा इंटरेस्ट इतना शो हो रहा है ना। 22 ये लास्ट 19, 20, 21, 22 इसके बाद 25 को प्राइस हमारा उस लेवल पर आया इन सपोर्ट्स पर, यानी कि पूरे वीक में हमें सिर्फ एक मौका मिला है ट्रेड करने 25th के बाद। 25th पर देखिए जाकर के 219.15 पर किया क्या है ना, क्योंकि यहाँ तो 22 को तो मार्केट क्लोज हो गई थी पूरा वीक। अब नेक्स्ट वीक हमें अगर इस लेवल से काम करना है तो इस लेवल पर हमें जो प्राइस मिला था सिर्फ 25th को मिला था। 5 मिनट पर हम जाएंगे और 25th को देखेंगे कि हुआ क्या है, देख पा रहे हैं किस तरह से मार्केट ने उसी लेवल पर जाकर के बिल्कुल रेजिस्टेंस लिया, डाउन डाउन अप है ना, एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक कर देने के बाद में फिर वापस प्राइस मेरा नीचे, इसने अप मूव ही दिखाया है, और ये मे भी हो सकता है 1.5-2% का मूव होगा हमारे लेवल से सफिशियंट मूव। इस तरह से हमें करना क्या है ना, अपने लेवल का वेट करना। अभी लोअर टाइम फ्रेम पर देखिए बिल्कुल रीडिंग हम लोगों ने नहीं, सिर्फ हम लोग जो कर रहे हैं वो आवरली टाइम फ्रेम पर कर, एक इंपॉर्टेंट कैंडल फाइंड करनी अभी फिलहाल इसको, तो बैठ करके भी शाम को आप लोग बैक टेस्ट करेंगे, कल मार्केट में जाकर के इसको टेस्ट करेंगे क्या होता है। एक TCS है, TCS कुछ ले लेते हैं 15, 13, 18 ये अपनी कैंडल बन गई 22nd। अब 25th की बारी देखिए, 25th को क्या हुआ, एग्जैक्ट प्राइस हमारे उसी लेवल पर है प्रीवियस वीक में जो उसने सपोर्ट बना दी, यहां से अपसाइड की तरफ, अगेन अपसाइड की तरफ डाउन मूव, और यहां से मार्केट फिर मेरी ओपन होती है, अगेन प्राइस अपसाइड की तरफ, मतलब अपनी इस रेंज को, ये जो सपोर्ट पॉइंट है ना, इस रेंज को मार्केट छोड़ नहीं पा रही,
और इसके नीचे जितने भी स्विंग बन रहे, स्विंग ब्रेक नहीं होने दे रहे। हमारा काम सिर्फ इतना है इस वक्त का जो हम आपको तो बता रहे हैं कि ये जो सपोर्ट पॉइंट्स है ना, ये वाले अपने इन सपोर्ट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम्स के आधार पर हमें ये पता करना है कि नेक्स्ट वीक हमारे ये लेवल कितने स्ट्रांगली वर्क करता है। नेक्स्ट फुल वीक जैसे 27 को प्राइस हमारा हमारे लेवल पर आया, इसके अंदर क्या हुआ। 26 को मेरा प्राइस हमारे लेवल पर आया, इसके अंदर क्या हुआ हुआ। ना तो बाइंग का व्यू कैसे क्या रखना है देखना, ये नहीं, ना ही सेलिंग, कुछ नहीं करना है। सिर्फ मेरे लेवल के पास में मार्केट की एक्टिविटी क्या हो, यहाँ से स्विंग प्रोटेक्ट होते हैं या फिर यहाँ से स्विंग ब्रेक होते हैं, होता क्या है। 26 और 27 दो दिन देखेंगे मार्केट में क्या किया। 26 को रेंज के नीचे ही मार्केट क्लोज हुई, तो काफी बड़ा मूव पहले से ही हो चुका है अब से लेकर के डाउन, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर डाउन मूव दिखाया और अगेन नेक्स्ट डे मार्केट अप साइड में जाकर भी क्लोज हो गई। ये है 3-3.25 यहाँ पर, मतलब अपनी रेंज के अंदर जाकर के क्लोज हुई है। और नेक्स्ट 27 को मार्केट ने ओपनिंग ही सीधे अपसाइड की तरफ ओपनिंग देने के बाद में नीचे की तरफ भी क्लोजिंग कर। सबसे पहला जो मेरा स्विंग लगा, मतलब ये सपोर्ट पॉइंट्स जो लगे वो ये वाले लगे। अभी अगर मार्केट हमारे इस वाले स्विंग को ब्रेक कर देती डाउन साइड की तरफ, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट का जो मूव है वो डाउन साइड की तरफ आपको दिख जाएगा। और अगर इसको ब्रेक किए बिना मार्केट मेरी अप साइड में चली गई, तो मुश्किल होगा कि प्राइस वापस से हमारी इस रेंज पर आकर के इसको ब्रेक करे। ये पॉइंट है ना, लो यहां तक लगा और अगेन सेम लेवल तक आई है मार्केट आपको सपोर्ट देने के लिए। और रेजिस्टेंस पॉइंट मेरा कौन सा है, हमने इन सारी मार्केट्स को देख करके मार्क नहीं किया, हम लोगों ने जो मार्क किया वो आवरली टाइम फ्रेम को देख करके मार्क किया। और एग्जैक्ट देखिए मार्केट कहाँ इस वक्त कहाँ पर है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर है। और इसके बाद में क्या होता है, इसके ब्रेक कर देने के बाद है ना, नेक्स्ट डे देखिए पूरा मूव प्राइस का कहाँ तक गया है अपसाइड की तरफ क्लोजिंग करने के बाद। आपको एक छोटा सा काम करना है ना, जितने भी स्टॉक्स आप देख पाओ सारे के सारे देखिए, और कल इसी डिस्कशन को आगे की तरफ मूव करेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना बस समझ सकते हो कि आवरली टाइम फ्रेम पर लास्ट वीक में जिस भी कैंडल के अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, हमें उसका हाई लो मार्क करना है। और देखना है ये कि नेक्स्ट वीक उस लेवल पर आकर के मार्केट की क्या एक्टिविटी हो रही है लोअर टाइम फ्रेम पर, है ना। और लोअर टाइम फ्रेम पर स्विंग्स कैसे रीड किया जाएगा, इसके बारे में फिर से हम बोल रहे हैं आपको, कल के दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना है, अभी जो पॉइंट हमने बताए इसको प्रैक्टिस करिए और कल आगे की तरफ बढ़ेंगे। कल लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में उसको खूब सारे टेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। लेकिन बस वही है, बहुत आराम आराम से चलें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हम बताएंगे ना, उसको बहुत फोकस के साथ प्रैक्टिस करिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार दत्ता सर, बोलिए। एक्चुअली जैसे कि हमने वो रैंक ढूंढने के लिए फटाफट में जाके जो हाई वैल्यूम वाले स्टॉक्स ढूंढे थे और उसमें रैंक ढूंढा। अच्छा, हाँ। तो अभी ये जो करना है तो ये रैंडम कोई भी लेना है और या उसी स्टॉक्स में करना है? कोई भी स्टॉक, ये किसी भी स्टॉक को आप ओपन करो, निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 के बाहर के लिए, उसमें लास्ट वीक की हाई वॉल्यूम कैंडल देखो, इसके अंदर अभी स्टॉक्स वैल्यूम बड़ा हो और कैंडल भी बड़ी होनी चाहिए या नहीं, जरूरी नहीं है, या जरूरी नहीं है, डोजी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो चलेगा। वो अगर 325 315 की भी कैंडल है तो वो चलेगी। सिर्फ पूरे वीक का हमें एक ऐसा वॉल्यूम चाहिए हायर टाइम फ्रेम का जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बायर्स और सेलर्स ने शो किया है, हमें उसका यूज नेक्स्ट वीक करना है बस। ओके, क्लास यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं। कल सेम टाइम पर आप लोगों को लिंक हम इनवाइट कर देंगे और सेम लिंक सब ज्वाइन चाहिए, न्यू लिंक है, ठीक है। गुड नाइट सभी लोगों को, कल मिलते हैं।